हाय गाइस, यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो 10 जुलाई का इंटरव्यू हुआ है उसके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे पास आए हैं। आइए चलिए देखते हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं और पूछे भी जा रहे हैं अक्सर। वो परमाणु विखंडन क्या है, परमाणु विखंडन के बारे में बताना है। परमाणु विखंडन क्या होता है? यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसमें परमाणु विखंडित हो जाते हैं। जो उसके परमाणु जो हैं वो विखंडित हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में परमाणु ऊर्जा को मुक्त करते हैं, तो ये परमाणु विखंडन कहलाता है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया वो है, सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में कैसे बदलेंगे? सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में बदलने का ये फार्मूला है, इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सी अपॉन 100 इक्वल टू एफ माइनस 32 अपॉन 180, ये इसे आप देख लीजिए, याद कर लीजिएगा। सेंटीग्रेड को फॉरेनहाइट में, यहाँ फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड को भी बदल सकते हैं। इसके बाद जो पूछा गया क्वेश्चन तीसरा, ऊपर की ओर फेंकी हुई कोई वस्तु नीचे क्यों आ जाती है? आप अक्सर देखते हैं ऊपर फेंकने पर, पत्थर भी अगर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है, तो वो किस कारण से आती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है कोई भी वस्तु जो ऊपर की ओर फेंकी जा रही हो। जो लोग यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे, और पूरा वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत सारे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। इसके बाद जो पूछा गया, 1870 से 90 की अवधि में भारत किसके चंगुल में तड़फड़ा रहा था, मतलब कि किसके चंगुल में भारत फंसा हुआ था? तो वो है ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल में भारत फंसा हुआ था। इसके बाद जो था क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या है? ओलंपिक खेलों का चिन्ह क्या है? तो आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले, आप देखे होंगे इस तरह से 5 छल्ले होते हैं, ये देखिए सटा हुआ रहेगा सब, नीचे 2 और ऊपर 3 होते हैं, इस तरह से सटे हुए होते हैं। तो 5 छल्ले ये जो हैं होते हैं ओलंपिक के चिन्ह हैं, जो कि जिनका रंग होता है नीला, काला, हरा, पीला तथा लाल, ये 5 रंग का होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन था पूछा गया, वो सिलिकॉन कार्बाइड को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन कार्बाइड को कार्बोरेंडम के नाम से जाना जाता है। फेसबुक पर जो लोग जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक पेज है मेरा, यहाँ ये लिंक दिया हुआ है और साथ ही ग्रुप भी चल रहा है, तो आप लोग अगर चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर सारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन के माध्यम से तैयारी कराई जा रही है। वो नींबू का रस जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान जो है 2.4 होता है। इसके बाद देखिए पूछा गया, हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? हिंदी उपन्यास किसकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति था? तो वो हिंदी भाषी जनता के, क्योंकि हिंदी भाषी जनता के ही माध्यम से ये उपन्यास की अभिव्यक्ति की गई थी। उसके बाद जो पूछा गया, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जानते ही होंगे आप लोग। तो कब इन्होंने किया था? तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाएंगे ये भी सब भी। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ बताओ। चेहरे पर हवाइया उड़ना का अर्थ होगा घबरा जाना, घबराने का, जान ही रहे हैं कि चेहरे पर हवाइया उड़ जाए, जैसे कि चेहरे से हवाइया गायब हो जाना, तो इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा घबरा जाना। उज्जवल का संधि विच्छेद बताओ। उज्जवल का संधि विच्छेद होगा उद्धन ज्वल, अतः यह व्यंजन संधि होगा। हिंदी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस समय। प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय की परिभाषा यहाँ देना है। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़कर उससे व्याकरणिक रूप या अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्यय क्या है। प्रत्यय का मतलब की होता है कि जो कोई भी शब्द है उसके अंतिम में जुड़ जाए तो वो प्रत्यय हो जाता है, प्रत्यय कहलाता है। जैसे मैं एक ले लेता हूँ,
कोई भी एग्जांपल, जैसे आई, ये भी हो गया, आई हो गया, या फिर इस तरह से, या फिर न प्रत्यय जुड़ गया, या इस तरह से प्रत्यय जो है जो कि अंतिम में जुड़ जाते हैं। इसके बाद जो पूछा गया, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग संधि के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल है सरोज बराबर का सरह दम ज बराबर सरोज हो जाएगा, ये विसर्ग संधि का। राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो वो है 25 फरवरी 1968 को लागू हुआ था, जो कि 25 फरवरी 1969 तक 1 साल के लिए लागू हुआ था। और अब तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो अब तक राष्ट्रपति शासन 10 बार लग चुके हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बताओ। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला जो है गौतम बुद्ध नगर है, और जो कि है 80.12%। फिर इसके बाद क्वेश्चन है ऑक्टल प्रणाली के बारे में बताओ, ऑक्टल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न अंकों का आधार 8 होता है। जैसे बाइनरी में आप देखते हैं बाइनरी का बेस होता है 2 होता है, उसी तरह ऑक्टल का जो बेस होता है वो 8 होता है। 8 होता है, दूसरे शब्दों में इस प्रणाली में केवल 8 चिन्ह या 8 अंक ही उपयोग किए जा सकते हैं। ये चलिए देखते हैं। इसके बाद हाँ, अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इस लिंक पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे वीडियो के। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो बमरौली हवाई अड्डा आप लोग जानते ही हैं कि इलाहाबाद में बमरौली हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? तो आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है, 1331 का घनमूल बताओ। तो 1331 का घनमूल 11 होता है, 11 का जब आप क्यूब करेंगे तो 1331 आएगा। उसके बाद पूछा गया क्वेश्चन, 1425 रुपये का 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 39 महीने का मिश्र धन बताइए। तो मैंने सॉल्व किया 1610.25 आ रहा है, तो आप इसे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताओ। जो वाशिंग सोडा होता है जिससे कपड़े वगैरह साफ किए जाते हैं, तो उसका रासायनिक नाम जो है Na2CO3 × 10H2O। पीतल, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पीतल धातु की धातु के मिश्रण से बना है। पीतल जानते हैं कि मिश्र धातु है एक, जो कि तांबा तथा जिंक के मिश्रण से बना हुआ है। वो है सबसे कम वन वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम वन वाला जिला जो है संत रविदास नगर भदोही है, ये सबसे कम वन वाला जिला है। और सबसे ज्यादा अधिक वन वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक वन वाला जिला सोनभद्र जिला है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया, रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? तो रिज्यूम बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो है पेज मेकर तथा MS वर्ड। ये दोनों पेज मेकर तथा MS वर्ड का प्रयोग करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए। इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं उसे मैंने अपने वीडियो में दोहराया नहीं है, इसलिए और भी प्रश्नोत्तर के लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि पूछे गए हैं इंटरव्यू में, उन्हें मैंने दोहराया नहीं है, इसलिए आप लोग सारा वीडियो शुरू से लेकर अंतम पूरा देखिए। इसमें देखते हैं और आगे बढ़ते, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट भी करें। धन्यवाद।
कैसा लगा आपको वीडियो। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग का भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाए इसके माध्यम से। और यहाँ यूट्यूब का लिंक है, यहाँ से डायरेक्ट आप इस लिंक पर जाकर मेरे वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।